अकारांत राम शब्द, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्ये, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्ये, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामेः, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामः। विभक्ति कारक और कारक चिन्ह। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है जिसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक चिन्ह को। तृतीय विभक्ति करण कारक चिन्ह है से के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है, चिन्ह होता है इसका को के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का के की रारेरी। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पर संबोधन संबोधन हे अये भो। अब हमें राम शब्द को कारक चिन्ह के साथ देखना है। मूल शब्द राम शब्द होता है, मूल शब्द राम शब्द, मूल शब्द। इस मूल शब्द के साथ में हम कारक चिन्ह जोड़ेंगे, जैसे राम है राम ने, रामम राम को, रामेण मूल शब्द के साथ जोड़ेंगे राम से या राम के द्वारा। रामेण का मतलब होता है राम से या राम के द्वारा। मूल शब्द के साथ में हम ये कारक चिन्ह जोड़ने पर इसका अर्थ का हमें पता चल जाता है। जैसे रामाय तो मूल शब्द राम होता है, राम को या राम के लिए। रामात राम से, रामस्य राम का या राम के या राम की। वाक्य के अनुसार रामे राम में या राम पर, हे राम या अरे राम या ओ राम, इस प्रकार से। वचन के अनुसार भी देख लेते हैं, जैसे राम है राम ने, दो रामों ने, बहुत रामों ने, रामम राम को, दो रामों को, बहुत रामों को, रामेण राम के द्वारा या राम से, दो रामों के द्वारा, दो रामों से, रामाय बहुत रामों के द्वारा, रामाय राम के लिए, दो रामों के लिए, बहुत रामों के लिए, रामात राम से, दो रामों से, बहुत रामों से, राम से राम का, दो रामों का, बहुत रामों का, रामे राम में या राम पर, दो रामों में या दो रामों पर, रामेशु बहुत रामों में या बहुत रामों पर, इस प्रकार से हम अनुवाद कर सकते हैं।